तो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं हरविंदर, आप देख रहे हैं ट्रैवलर मिस्टर सिंह। तो आज आपको एक और होटल का रिव्यू का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये होटल जो है आपको सांगला वैली में चितकुल से पहले रच्छंग गांव में है, होटल रूपन व्यू के नाम से है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो चलिए आपको इस प्रॉपर्टी का रिव्यू देते हैं, दिखाते हैं रूम कैसे हैं, खाना कैसा है, सब दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी मिल सके, तो आपको होटल बुकिंग में दिक्कत ना हो, और हमारा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आपको होटल का रिव्यू देते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये बाहर से देखिए प्रॉपर्टी है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आप देखिए काफ़ी स्नोफॉल है, बाहर भी होटल की स्नो पड़ी हुई है। देखिए ये बाहर से व्यू है, और ये रच्छम का गेट है, एंट्री पे ही आपको दिख जाएगा, रच्छम एंट्री करते ही। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए ट्रैवलर मिस्टर सिंह, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो ये देखिए काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं ट्रैवलर में, काफ़ी ग्रुप आए हुए हैं, यहाँ पर ग्रुप आता रहता है काफ़ी। और ये देखिए ये एंट्री है, और ये बाहर आपको होटल का नाम दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हाइट पे। ये है आपका होटल रूपिन रिवर व्यू रक्षम सांगला वैली, नंबर भी दिख रहे होंगे आपको, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो आइए अंदर आपको ले चलते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है, ये मैनेजर जो है जो सारा मैनेज करते हैं। तो ये देखिए ये डाइनिंग एरिया आपका, ये बफे लगता है, ये किचन है सामने, और ये रेस्टोरेंट कम डाइनिंग एरिया आपका, और ये व्यू देखिए आप, जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे व्यूज़ देखिए आप, सामने नीचे रिवर है ये बसपा रिवर, और सामने स्नो पीक्स, सर्दियों का नज़ारा आप देख रहे हो, गर्मियों में भी बहुत अच्छा नज़ारा होते हैं, ग्रीन ग्रीन पहाड़ियाँ होती हैं, ग्रीन सब होता है यहाँ पे, बहुत सुंदर नज़ारा है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और यहाँ बैठ के अपना फूड एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए यहाँ बैठ के। तो चलिए आपको भी रूम्स दिखाएंगे चल के, और अभी डिनर आएगा तो डिनर भी कराएंगे और ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे, फूड कैसा है। चलिए आपको ले चलते हैं रूम की तरफ, रूम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये गैलरी है, इनके यहाँ पे 15 रूम्स हैं, डोमेट्री भी है। आइए आपको अपना रूम दिखा देते हैं, ये इनका रूम है, देख लीजिए, ये सोफ़ा लगा हुआ है, टेबल है, ये बेड है, भाई साहब हमारे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हीटर दिया हुआ है, बेड ही ये इलेक्ट्रिक बेड है, हीटेड बेड है, आप बटन दबाओगे तो गर्म हो जाएगा आपका। यहाँ से गैलरी है, थोड़ा रात का समय हो गया है, तो ये देखिए ये हमारे बैठने की गैलरी है, ये सामने आपको थोड़ा व्यूज़, रात का समय हो गया इसलिए नज़र नहीं आएगा, दिन में दोबारा दिखाऊंगा आपको मैं, ऊपर दिखाया था रेस्टोरेंट में। तो ये रूम है नीट एंड क्लीन, अच्छी प्रॉपर्टी, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल नहीं है रक्षम में। वॉशरूम में दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वॉशरूम, तो पानी आपको गर्म मिल जाएगा, यहाँ गीजर वीजर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलमीरा कपड़े रखने के लिए, नीचे वेस्ट के लिए। तो ये छोटा रूम है, इसमें उनके पास बड़े रूम भी हैं, फैमिली रूम भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हो उनसे बात करके, नंबर मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा और नाम भी लिख दूँगा, तो आप ले सकते हैं। चलिए आपको जब ऊपर फूड होगा, डिनर का टाइम दिखाएंगे फूड भी। और तो फाइनली दोस्तों डिनर के लिए आ गए हम, तो डिनर हमारा आ गया, आपको दिखाते हैं डिनर, बहुत अच्छा है, खाना खाया हमने, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखिए आप एमएस, काफ़ी अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पे, बाहर से आए हुए टूर, तो देख लिए। तो बफे लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे लोग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। तो ये हमारा फूड दिखा देते हैं आपको, ये पनीर है, शाही पनीर, ये है दाल, चपाती, मिक्स वेज, और खीर अभी हमारी आ रही है, तो फूड बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स रात को अंधेरा हो गया था तो हम आपको रूम पूरा नहीं दिखा पाए थे दूसरा, तो अभी सुबह हम इनका जो लग्जरी रूम है बड़े वाला, तो रात को होटल फुल था, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो हम नीचे रुके थे छोटे रूम में क्योंकि हम दो ही बंदे थे। तो ये बड़ा कमरा और लग्जरी कमरा इनका ऊपर फ्लोर पर था, तो आइए आपको बढ़िया वाला कमरा दिखाते हैं, आइए आइए। ये देखिए ये बेड डबल बेड है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे व्यू, ये आपका सिटिंग एरिया है, एक्स्ट्रा बेड भी लग सकता है इसके अंदर, और आप सामने आइए व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने के नज़ारे, सामने बिल्कुल स्नो, रात को फिर स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे, सुबह भी हुई थी, अब थोड़ा सा हल्का हल्का धूप निकल रही है, देखिए व्यूज़ नज़ारे तो
अल्टीमेटर है यहाँ पे, आओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आइए आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ मैं। ये LED TV हर चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। ये अलमीरा है, आइए इधर आइए। ये आपके कपड़े रखने के लिए यहाँ पे रख सकते हो लगेज वगैरह। और ये वॉशरूम देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ऊपर वाला पोर्शन है ये काफ़ी लग्जरी इन्होंने बनाया है, ये लेटेस्ट बनाया है अभी। नीचे वाला थोड़ा सा पुराना है, ये ऊपर वाला पोर्शन है बिल्कुल न्यू। गीजर वीजर सारी फैसिलिटीज दी हैं इन्होंने, तो देख लीजिए। रूम ऊपर पूरा वुडन का काम हुआ है और केटल वगैरह सब कुछ है, आपको गर्म के लिए सब चीज़ें मिल जाती हैं, सारी फैसिलिटी हैं। और चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ है यहाँ, किसी की दिक्कत नहीं है। और आपको गीजर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी मिलता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिससे आपको ठंडी लगे बिल्कुल। यहाँ पे हम रात को सोए थे, बिल्कुल ठंडी लगी हमें, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी। खाना बहुत अच्छा था, वो आपने वीडियो में देख लिया है। चलिए आपको बाहर का लॉन्च दिखाते हैं, इनका ओपन जो एरिया है वो दिखाते हैं। ये गैलरी है, यहाँ से निकल के हम आपको जो शानदार व्यू आने वाला है इस जगह वो दिखाते हैं। आइए तो आइए देखिए कैसा ये ओपन एक सिटिंग एरिया है। यहाँ बैठ के आप खाना पी सक खाना खा सकते हो, बैठ के ड्रिंक कर सकते हो, और यहाँ पे आप व्यूज़ का एंजॉय कर सकते हो। सर्दियों में धूप ले सकते हो और गर्मियों में ठंडी हवा शाम का एंजॉय कर सकते हो। मतलब कि लोकेशन तो इतनी ज़बरदस्त है और व्यूज़ इतने ज़बरदस्त हैं इस आप रिजॉर्ट से। देखिए क्या व्यू नज़ारे आप इस टाइम स्नो का देख रहे हो, आप मज़ा आ रहा है। ठंडी हवा है लेकिन अब थोड़ी देर धूप निकल रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ बैठने के लिए आपको। तो चलिए आपको इनके जो मैनेजर जी हैं अविनाश जी से मिलवाते हैं और आपको बताएंगे सारी प्रॉपर्टी के बारे में, क्या टैरिफ है और क्या क्या फैसिलिटी आपको देने हैं। चलिए तो अविनाश जी जो मैनेजर हैं यहाँ के, जो मैनेज कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पे, तो अविनाश जी स्वागत है हमारे चैनल पे ट्रैवल सिंह में। तो हम रहे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा खाना और सब चीज़ रही। बाकी फिर भी हमारे दर्शकों को बताइए कि रूम किस किस तरह के आपके पास हैं और खाने का बाकी जो भी फैसिलिटी आप दे रहे हो, और टैरिफ के बारे में थोड़ा बताइए और हमारे दर्शकों को कितना डिस्काउंट मिला वो भी बताइए। तो सर देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग रूम है, मतलब हमारे पास चार कैटेगरीज के रूम है सर, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स और एग्जीक्यूटिव। जो स्टार्टिंग स्टैंडर्ड रूम है उसका जो प्राइस रहता है हमारा 3500 रहता है, ठीक है। और जो डिलक्स रूम है उसका 4000 रहता है, और जो सुपर डिलक्स है उसका 4500 रहता है। और जो एग्जीक्यूटिव रूम है वो हमारे पास सबसे अच्छा रूम है। हमारा जो होटल की लोकेशन है वो यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी सर। रक्षम जो जगह है, रक्षम जगह का अभी किसी लोगों को पता नहीं है। रक्षम इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सांगला वैली। रक्षम जो जगह है सर, अभी लोगों को क्या रहता है, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, छितकुल, सांगला छितकुल। रक्षम का अभी किसी लोगों को पता नहीं है। रक्षम जो ये जगह है इतनी ब्यूटीफुल है सर कि मतलब आप यहाँ पे हर चीज़ का एंजॉय ले सकते हैं। नेचर, यहाँ का जो नेचर है, देखो यहाँ के नेचर में रिवर, स्नो माउंटेन, फॉरेस्ट, मतलब ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब बहुत अच्छा नेचर है सर यहाँ का। जी जी सर जी। और जो हमारे पास कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव रूम जो है, मतलब इतना अच्छा है यहाँ पे, जो भी लोग आते हैं उनको मतलब एग्जीक्यूटिव रूम इतना पसंद आता है कि लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमने 3-4 दिन यहाँ पे स्टे करना है, इतना ब्यूटीफुल है सर। बाकी आपने तो देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर। चलो अच्छा लगे हमें रुक के। बाकी हमारे दर्शक जो आपको आएंगे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका नंबर मैं डाल दूंगा। जी जी सर, ठीक है जी। बाकी आपके रेफरेंस पे कोई आएंगे तो हम उनको डिस्काउंट भी दे देंगे सर बढ़िया करके। और बाकी फूड तो आपने देख लिया है, हमारा फूड हमारा बहुत अच्छा है। जो हमारे शेफ है मिस्टर अमर सिंह जी, बहुत अच्छे है सर, वो हमारे पास 10-11 सालों से काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर है वो यहाँ पे 10-11 सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। फूड हमें अच्छा लगा जी, और आपसे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। हम अगली बार आएंगे तो आपसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आएगा तो आपका रेफरेंस भी देंगे, और वीडियो के माध्यम से भी और पर्सनल माध्यम से भी। जी सर, तो अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। चलिए चलते हैं, आपसे की तरफ मिलते हैं आपसे। ओके, सी यू, बाय बाय।